हेलो दोस्तों, रॉय जी कृष्ण के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक रॉय जी कृष्ण चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रॉय जी कृष्ण चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो आने वाले जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर या बुक टेस्ट पेपर है सबकी जैसे भी आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहेगा। तो दोस्तों, हमारी इससे पहले भी हमने 3 मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड कर चुके हैं, तो इन 3ों मॉडल टेस्ट पेपर को देखिएगा। और ये 4थी मॉडल टेस्ट पेपर है और एक मॉडल टेस्ट पेपर में कल भी अपलोड करने जाएंगे, तो 5 टेस्ट पेपर होगा। तो 5 टेस्ट पेपर यदि आप सही से लगा लेते हैं तो आपकी रैंक काफ़ी अच्छी आ जाएगी। इसलिए आप ये तमाम वही क्वेश्चन दी गई है जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं ली गई है जो अनएक्सपेक्टेड हो। सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो इसको करने की कोशिश कीजिएगा। और दोनों मीडियम में दी गई, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होती है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा क्वेश्चन लिखकर। आपकी आंसर जैसे मुझे टाइम मिलती है मैं जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मैथमेटिक्स में आपको जो मेन सेक्शन है जहां ध्यान रखनी है, ट्रिगोमेट्री है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है और हमारा रियल नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तमाम क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा करें। और यदि अभी तक रॉय एजुकेशन चैनल के शॉर्ट ट्रिक्स का वीडियो नहीं देखा है तो सारे टॉपिक का शॉर्ट ट्रिक्स का वीडियो देख लीजिएगा, तब ये मॉडल टेस्ट पेपर लगाइएगा तो देखकर ही आंसर निकल जाएगी। देखिए, आप बड़ी जल्दी जल्दी सारे आंसर निकाल सकते हैं। तो खासकर उन बच्चे के लिए मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड कर दी गई है जो दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं, जिसके पास कोचिंग इंस्टीट्यूट या इस तरह की सुविधा नहीं है। ये टेस्ट पेपर में अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को कराते हैं, वो टेस्ट पेपर आप लोग के लिए लेकर आए हैं। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल के थ्रू जुड़े और इस टेस्ट पेपर से लाभ उठाए, इसलिए उन बच्चे के लिए हमने ये टेस्ट पेपर अपलोड किया है जो दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं। और कोई भी बच्चे हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ रहे, तो उनके लिए भी है, इस चीज़ को हेल्प ले। और ये मॉडल टेस्ट पेपर ऐसी है जिससे हम लोग 14 साल से एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं, इनमें उन सारे को तमाम क्वेश्चन को रखा गया है जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड होती है। तो ऐसे क्वेश्चन यदि आप एक बार रिविज़न करके भी जाते हैं तो एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, एक चीज़ ज़रूर करना है आप लोगों को, एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग है तो इसलिए जितनी मार्क्स आपको जितने क्वेश्चन आते हैं बस उतने ही क्वेश्चन ही करना है। ये तुक्का मतलब देखकर गेस करके ये हो सकता है या ये हो सकता है, ऐसा नहीं करना है। जो सेक्शन आपके स्ट्रांग है आप एग्ज़ाम में कोशिश करें पहले उसी सेक्शन को करने का। और जो सेक्शन जैसे जो क्वेश्चन एक झटके से निकल जाते हैं उसको पहले निकालें, जिसमें मैथ्स में जैसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, फिजिक्स में जिस क्वेश्चन में उसको छोड़ दे, और जैसे ही आपको टाइम मिलता है फिर उस क्वेश्चन पर आप टाइम दे सकते हैं। तो इसमें 150 के 150 क्वेश्चन दी गई है, 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स की हैं। और 40 क्वेश्चन हमारा फिजिक्स की है, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री की है और 15 क्वेश्चन बायो की, 15 हमारा इंग्लिश की क्वेश्चन है। यदि आप सही से ऐसे क्वेश्चन को करते हैं तो मुझे नहीं लग रहा है जो आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी होगी। और देखकर सारे 5ों टेस्ट पेपर को आप यदि मॉडल टेस्ट पेपर के रॉय एजुकेशन का देख लेते हैं तो 60% क्वेश्चन नहीं तो 50% क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगी जो उसी पैटर्न पर होगा या थोड़ा बहुत आगे चेंज करके, इतना तो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो ये 5ों मॉडल टेस्ट पेपर को ज़रूर आप सॉल्व करके जाए और एग्ज़ाम में आसानी से आपकी रैंक आ जाएगी। बाकी आपको इंडिया की बुक है तो एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिए, उसके साथ एक बुकलेट मिली है पतली वाली, वो बुकलेट भी एक बार जरूर रीड करेंगे। फिजिक्स, खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इस फोकस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करनी है आपको, क्योंकि इतने में ही आपका रैंक बन सकती है। बाकी बायो से 15 क्वेश्चन है हमारा, 15 क्वेश्चन इंग्लिश है। वैसे एक एक क्वेश्चन के लिए मैं कहता हूँ बच्चों को ना एक एक क्वेश्चन के लिए लड़ना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स के कई बच्चे कितने रैंक के आगे पीछे हो जाते हैं, इसलिए कोई क्वेश्चन छोड़ने वो नहीं करते। यदि आप आते हैं लिनिट वे में उसको छोड़ कर ना आए, जितना आप डिजर्व करते हैं जितने क्वेश्चन आपके आते हैं एंड तक एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करें और अपनी रैंक को पक्का कर लें। यदि आप दूर दराज के क्षेत्र से आते हैं, आउटसाइड ऑफ दिल्ली से हैं, तो आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करनी है 100+, मतलब 100 से 120 के बीच में करें, आपके रैंक ऐसे और 120 तक करके आ जाते हैं तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज ज़रूर मिल जाएगी। जो दिल्ली के आसपास के बच्चे हैं उनको ये कहा जाता है कम से कम 100 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें, 100 यदि करके आ जाते हैं तो आप दिल्ली के जो भी कॉलेज है 7 जो गवर्नमेंट कॉलेज उसमें आपके नंबर आ जाएगी।
फर्स्ट फर्स्ट काउंसलिंग या सेकंड काउंसलिंग में तो आ ही जाएगी। यदि फर्स्ट काउंसलिंग में आपके मार्क्स नहीं आते हैं, नंबर नहीं आते, घबराना नहीं होते, तीसरी चौथी काउंसलिंग तक जाती है और वहाँ तक आपकी एडमिशन होने की चांसेज होती है। काउंसलिंग वक्त में भी कोई परेशानी होती है, यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है, पैसे कैसे जमा करना है, कौन सा ट्रेड लेनी है, कितना रैंक है, कौन सी कॉलेज को चूज करना चाहिए, तो उसमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ज़रूर मैं आपको हेल्प करेंगे। या दिल्ली के आसपास रहते हैं, इंस्टीट्यूट के आसपास, तो इंस्टीट्यूट भी विजिट कर सकते हैं, रॉयल एजुकेशन कालका जी में है। बाकी कोई भी जानकारी लेना चाहे तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू ले लीजिए, मैं ज़रूर आपकी मदद करेंगे, ठीक है। और एक बार केमिस्ट्री के सारे टॉपिक का एक बार ज़रूर रिविज़न कर लीजिएगा। यदि किंग इंडिया के बुक है तो उसकी पतली वाली जो कॉपी बुक्स उसकी भी सॉल्व करनी है, और मैथ्स की एक जो साइंस की जितनी भी मॉक टेस्ट पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक बार ज़रूर सॉल्व करें, तो एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें भी हमने सारे सेक्शन को लेने की कोशिश किया था, कहीं कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप वो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कहीं भी कोई परेशानी होती है तो मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करें। कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होती है वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आंसर शीट से रिगार्डिंग और किसी और चीज़ के रिलेटेड भी। तो ये सारे मॉडल टेस्ट पेपर को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके पास टाइम तो बहुत कम है, फिर भी जितना भी रिवीजन हो सकता है उन बच्चे के लिए हमने कोशिश किया था, जो हमारे चैनल के थ्रू जुड़ा था उनके लिए हम जितना मदद कर सकते उतनी हमने करने की कोशिश किया। कोई भी कमी रह गई तो उसके निगलेक्ट कीजिएगा, और हम आपके लिए ऐसे ही और भी दोस्तों में शेयर कीजिएगा वीडियो को, और जिससे चैनल आगे आने वाले टाइम में और भी लोगों के लिए मददगार हो सके। तो यदि क्वेश्चन पेपर को अच्छे से लगाइए मॉडल टेस्ट पेपर के लिए, कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।